घुटनों में दर्द का सबसे बड़ा रीजन होता है आपके घुटनों में गैप आ गया है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये आपका दाएं दाएं जांग है, ये आपकी राइट लेग है और ये आपकी लेफ्ट लेग है। ये आपकी दाएं जांग है, ये बाएं टांग है, दाएं टांग और ये बाएं टांग, समझ गए। अब क्या होगा, आप ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे जिसको आप घुटने बोलते हैं, घुटना, यहाँ पे एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल का मतलब आपको बताऊंगा, कार्टिलेज होता है और उस कार्टिलेज के अंदर एक ग्रीस बनती है। घुटने के अंदर क्या होगा, आपकी ग्रीस बनती है, ग्रीस बनती है कार्टिलेज के अंदर, जिसको मैं बोलूँ कैप्सूल होता है, कैप्सूल की तरह होता है वो। और जब इस कैप्सूल के अंदर ग्रीस कम होना शुरू होगी ना, जिसको साइनोवियल फ्लूड बोलते हैं, तो आपके घुटनों में टक टक की आवाज आएगी, उठने बैठने में परेशानी होगी, अर्थराइटिस, गठिया की दिक्कत होगी, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपको यह समझना है, घुटनों में दर्द बार बार परेशान करता क्यों है। आप लोग बहुत सी दवाइयां खा चुके हैं, पेन किलर्स के टेबलेट्स ले चुके हैं, मलहम लगा चुके हैं, दर्द की आप लोग क्रीम लगाते हैं, तेल लगा के थक चुके हैं, फिर भी फर्क क्यों नहीं पड़ता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, मैंने बताया, आपकी कार्टिलेज जो है घिसना शुरू हो गए, जो आपके दोनों घुटनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ना, कार्टिलेज, वो घिसना शुरू हो चुके हैं, उनके अंदर ग्रीस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, 1% भी ग्रीस नहीं है। जब गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो आपको पता है, गाड़ी या बाइक की सब सर्विस कराते हैं ना, कार या बाइक की, तो उनके अंदर आप लोगों को पता है इंजन ऑयल डाला जाता है, तो यही इंजन ऑयल घुटनों के बीच में भी होता है, जिसको ग्रीस बोलते हैं। जब टाइम टाइम पे अपने घुटनों की सर्विस नहीं करेंगे ना, समझ रहे मेरी बात को, तो आपको घुटनों से रिलेटेड परेशानी होगी होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन, अब आप तो मेन टॉपिक पे, सबसे बड़ा रीजन होता है, आप जब सोते हैं ना, आप लोग गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से उठते बैठते हैं। इन द सेंस, आप लोग थोड़ा इसको बारीकी से समझना, जब भी आप लोग एक जगह पर लगातार आधे घंटे से ज्यादा खड़े होंगे ना, या आप किचन में खाना बना रही है, स्पेशली महिलाओं में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको घर में हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, किचन में पूरा दिन किचन में ही रहना, फिर उनको परेशानी ज्यादा बढ़ती है। एक ही जगह पर जब खाना बनाती है महिलाएं, लेडीज, तो एक ही जगह पर वो लगातार आधे घंटे तक खाना बनाती रहेंगी, फिर होगा क्या, आपके घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन। हालांकि उनको बीच बीच में 10 से 15 मिनट बाद बैठना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए, घुटनों को आराम मिलता है, लेकिन वो लगातार आधे पौने घंटे तक खड़ी रहती है, इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। फिर धीरे आगे आगे चल के प्रॉब्लम जो अर्थराइटिस, गठिया में तब्दील हो जाती है, फिर उठने बैठने में दिक्कत, अगर बैठ गए फिर पालथी नहीं मार पाती है, समझिए, पालथी मार के नहीं बैठ पाती हैं, फिर उनको बहुत ज्यादा परेशानी, अगर एक बार बैठ गई तो फिर उठने में दिक्कत होगी, अगर एक बार उठ गई, खड़ी हो गई, तो फिर उनको बैठने में परेशानी होगी। रात में उनको ऐसे लगेगा टांगों में ऐसे चिंगोटियां काट रही, बहुत बुरी, फिर वो टांगों को उनको बांधना पड़ता है, कभी उसके तौलिए से, कभी चुन्नी से जोर जोर से उनको टाइट करके बांधना पड़ता है, ताकि दर्द ना लगे, ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि बिल्कुल डाउन हो जाता है इस प्रॉब्लम में। अच्छा, इसका इलाज कैसे करें, इतने हद तक आप लोगों को समझ आ गया, रीजन मैंने बता दिया, घुटने में ग्रीस कम हो गई है, बात खत्म, गैप आ गया है, आपकी परेशानी ठीक नहीं होगी जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपको बता दूं आप लोगों ने क्या करना है, घर पर 3 धतूरे लेने हैं, और ये जो मैं तरीका बताऊंगा बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आपको ये तरीका जो है मार्केट से, जो आप हजार हजार रुपए के दर्द के तेल लेते हैं ना, उनसे लाख गुना बेटर है ये, फ्री का। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 धतूरे 3 धतूरे आप लोगों ने ले आए, 3 धतूरे मार्केट से ले आए, फिर उसका क्या करना है, आप लोगों धतूरों में, धतूरे जो है ना 3, इनमें से बीज निकालने, इनके सीड्स को निकाल लेना है, रेड रेड कलर के ये बीज होते हैं, लाल रंग के आप लोगों ने बीज निकाले, कटोरी में रख दिए, समझ गए। उसके बाद आप लोगों ने 7 कली लहसुन की लेनी है, लहसुन ले लिया 7 कली, 2 चम्मच मेथी दाना आप लोगों ने रख लिया, उसमें मिला दिया सारा। उसके बाद सरसों का तेल 2 कप, 2 कप सरसों का तेल। उसके बाद आप लोगों ने 1.5 या 2 चम्मच आप लोगों ने अजवाइन डाल लेना है, इसको आपने कम से कम भी 10 मिनट तक पकाना है, जब तक पूरा रेड ना हो जाए, पूरी रेडनेस ना आ जाए, लाली ना आ जाए, और जब तक यह तेल लाल ना हो जाए तब तक आपको उसके गैस या स्टोव या चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से इसको पकाना है, बीच बीच में जैसे तड़का लगाते हैं सब्जी को, वैसे उसको थोड़ा छांकते रहने आप लोगों ने, 10 मिनट बाद इसको गुनगुना होने देना है, समझ गए मेरी बात को, 1 बोतल में भर के रख लेना है, फिर जब भी आपको समस्या होगी, जब भी आपको घुटने से रिलेटेड दर्द होगी, इसकी मालिश करना आप लोगों ने शुरू कर देनी है।
देखिए धतूरे को मैं इसलिए आप लोग आपने कभी इलाज सुना नहीं होगा। धतूरा जो होता है आपको पता कि एज ए पॉइजन हो, धतूरा जो जहर होता है, और जहर जो होता है हमारे घुटने के अंदर भी जहर ही भर गया है, तो जहर को जहर ही काटता है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, घुटने के अंदर भी तो जहर ही है। जब आपको दर्द ज्यादा हो गया है तो जहर आपके अंदर ज्यादा हो गया है, गैप आ गया, सन में फ्लूड जमा हो गया, वो सारी फ्लूड बिल्कुल कम हो गया, ब्रीज बिल्कुल घिस गई है, स्वेलिंग आ गई, सूजन आना जहर का काम तो है। अगर शरीर में कहीं भी आपको किसी भी हिस्से में सूजन आती है ना, तो एज ए पॉइजन तो होता है वो कोई अमृत थोड़ी है। शरीर में कहीं सूजन आती है तो भाई जहर की वजह से आती है ना वो। अब पॉइजन इन द सेंस, ये वो वाला पॉइजन नहीं कि आप लोग जो लोग खा के लोग मरते हैं, जहर वो बात नहीं है। आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, जहर जहर को ही काटता है भाई, समझ रहे मेरी बात को। तो आपको कभी भी ये समस्या होगी घुटनों से रिलेटेड, इवन डिस्क की समस्या हो, सियाटिका के दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पेन हो, बैक पेन हो, कमरे में दर्द, किसी भी तरह के आप लोगों के शरीर में दर्द हो, ठीक नहीं होती है। आप लोग इस तेल को जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना है, और इन्हीं सारी सामग्रियों इंग्रेडिएंट्स को लेके बनाना है। और साथ में एक उपाय आप लोग और कर सकते हैं, आप लोगों को जब भी दर्द हो, माना आपके आपने घर में तेल बनाया लेकिन तेल खत्म हो गया, उस एमरजेंसी कंडीशन में आप लोगों को एक तौलिया लेना है, तौलिए के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल लेने हैं, उसका सेक देना है 25-30 मिनट तक, आधे घंटे तक, आपकी समस्या खत्म होना शुरू हो जाती है उसी समय से, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ा स्लो नॉर्मल हो जाता है, समझ रहे मेरी बात को। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है आप लोगों को महंगे महंगे तेलों मलहमों के ऊपर पैसा खर्च करने की। जो मैंने आपको बताया इस तरीके को फॉलो करो, तेल को घर पे आज ही बनाना शुरू कर दो, आज से अभी से घर में जाओ, कोई महंगा सामान तो है नहीं घर पे सब पड़ा होते हैं आपके, बस उनको बनाना शुरू कर, जैसे मैंने वीडियो को रिवर्स कर लो तो समझ लो कैसे मैंने बताया, वैसे बनाना शुरू कर दो, सब सिंपल सी बात है। और एक बात और बता दो, खाने में आप लोगों को सिर्फ ठंडी चीज़ों का परहेज करना है, बस ये बात समझ लो, दूध और ठंडी चीज़ों का अपने सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और दूध दही लस्सी पर सब चीज़ों का आप लोगों ने सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आप लोग कुछ भी खाते रहिए, कोई इशू आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनसे वात बढ़ ठंडी चीज़ों से ना वात का लेवल बढ़ता है, समझ रहे, वात रोग होने से आप लोग वात, जब वात का जो लेवल है ना आपके शरीर में बढ़ेगा ना, तब आपको ये जोड़ों से हड्डियों से रिलेटेड परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो वात को मत बढ़ने दो, ठंडी चीज़ों को अवॉइड कर दो, ठीक है, उनको बिल्कुल खाना आप लोग बंद कर दो, आपकी समस्या धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, समझे। इसके अलावा कुछ दवाई वगैरह आप लोगों ने नहीं खानी है, क्योंकि आप लोगों को पता है दवाई खाने से हाँ थोड़ी टेम्परेरी आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन परमानेंट इलाज आपको इसी से मिलेगा, ग्रीस इसी चीज़ के अंदर बनना शुरू हो जाती है, साइनोबल फ्लूड जो है अच्छी मात्रा में इसकी क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाता है, समझ रहे मेरी बात को। बस ठंडी चीज़ों से परहेज करें, ठंडी चीज़ किसी भी प्रकार की आप लोगों ने नहीं खानी है, बस फ्रूट्स में आप लोग कुछ भी खाइए, कोई चक्कर नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। तो आज से आप लोग इस तेल को बनाओ और इसको लगाना शुरू करो।